एक साधु की तीन बातें। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो में बताएंगे कि एक साधु ने तीन बातें बताई एक राजा को कि हमें संगत का कितना बड़ा असर पड़ता है। मित्रों, आज की कहानी को यदि आप सही ढंग से समझ लेंगे तो बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है, बड़ी ही शिक्षाप्रद है, जीवन में काम आने वाली कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले निवेदन करूंगा आपसे, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसी राज्य का राजा और अपने मंत्री से कहता है, मंत्री, आज हम जंगल में शिकार खेलने को जाएंगे और बड़े ही बीहड़ जंगल में जाएंगे। मित्रों, आज मंत्री से कहा राजा ने कि हमारे घोड़ा को सजवाओ और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। जब वो राजा और मंत्री शिकार खेलने के लिए जंगल में चले हैं तो एक शिकार का पीछा किया। मित्रों, होता क्या है कि शिकार का पीछा करते करते वो राजा वहां पहुंच चुके थे जहां एक बेहड़ जंगल था और उस जंगल में डाकू रहा करते थे, चोर रहा करते थे। लेकिन वहीं एक वृक्ष के ऊपर दो तोता और रहा करते थे, जो तोता उन डाकुओं के साथ में रह करके, चोरों के साथ में रह करके वैसी ही बोली बोलने लगे थे। मित्रों, जैसे ही राजा ने उस घने जंगल में प्रवेश किया तो तोता जो था वो पहले से ही पहले आवाज लगा देता था, चोरों को मालूम पड़ जाता था, वो लुटेरे आ करके उसी व्यक्ति को लूट लिया करते थे। जैसे ही महाराज पहुंचे हैं, तोता आवाज देने लगा, अरे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, आज तो अपने यहाँ एक राजा आया है, ये तो बहुत धनी है, इसके पास में बहुत ज्यादा माल खजाना है, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। मित्रों, जैसे ही एक तोता की आवाज उन चोरों ने सुनी, चोर जैसे ही राजा की ओर भागे, मित्रों जैसे ही राजा और मंत्री पीछे भागे, भागते भागते चोरों ने हार मान कर के वो तो वापस लौट गए। लेकिन वो राजा और मंत्री हांफते हुए, डरते हुए कि आज तो जैसे तैसे प्राण बच गए, एक जगह पे जाकर के एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर सोचने लगे, बड़े घबराए हुए थे। जवाब दिया, महाराज अब तो प्यास लग रही है, कहीं पानी मिल जाता। उसी वक्त वो राजा थोड़े और आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक संत का आश्रम है, संत का आश्रम है। उस आश्रम की ओर राजा और मंत्री जब चले हैं तो चलकर क्या देखा है, क्या वहां पर भी तोता बैठा हुआ था। और जैसे ही महाराज ने घोड़े को रोका और रोकने के बाद उस आश्रम पे कदम रखा तो वो तोता महाराज को देख करके बड़े मधुर बोली में आवाज देने लगा, आइए महाराज, आपका हमारे संत जी के आश्रम पर बहुत बहुत स्वागत है, आइए पानी पीजिए, पहले अपनी प्यास को बुझाइए, उसके बाद थोड़ी बहुत देर सत्संग सुनिए। मित्रों, यह आवाज सुन करके राजा को आश्चर्य हुआ, ये भी तोता की आवाज है, लेकिन वहां जंगल में हम गए तो वहां तो एक तोता कह रहा था कि पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यहाँ पर एक राजा आया है, कुछ अपशब्द भी बोल रहा था, लेकिन यहाँ तोता बड़ी मधुर भाषा में हमारा स्वागत कर रहा है, आदर सम्मान कर रहा है, ऐसा कैसे। आगे बढ़कर संत जी मिले, महाराज ने हाथ जोड़कर, राजा ने हाथ जोड़ करके उन संत जी को प्रणाम किया। जवाब दिया, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी आज तो मैं कुछ अचंभे में पड़ गया। साधु जी ने बताया, अरे राजन बैठिए, पहले आप हमारे पास बैठो कुछ देर, उसके बाद में जो भी तुम्हारे मन में बातें हों उन बातों को हमें खोल के कहना। मित्रों, बाबा जी ने आज ठंडा नीर पिलाया है, कुछ देर के बाद में
महाराज शांत हो जाते हैं। महाराज से साधु ने कहा, अब कहिए अपने मन की बात, तुम क्या कहना चाहते थे। हाथ जोड़कर महाराज बोले, आश्चर्य में चिंता में तो मैं इसलिए पड़ गया कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जंगल में गया था और उस जंगल में जाकर के जब मैंने कदम रखा तो वहां पर एक तोता था। वो तोता कह रहा था, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यहाँ पर राजा आया है, वो हमें तोता लुटवाना चाहता था। कुछ अपशब्द भी बोल रहा था। वहां बहुत से लुटेरे हमारे पीछे पड़ गए, जैसे तैसे हमने प्राण बचा पाए, लेकिन अब जब हमने आपके यहाँ आश्रम पे कदम रखा तो यहाँ पे तोता मिला और इस तोता ने हमसे बड़े अच्छे शब्द कहे हैं, स्वागत किया है, आदर सम्मान किया है, ऐसा कैसे हो गया। हैं तो दोनों एक ही तोता ही हैं, लेकिन दोनों तोताओं में अंतर कैसे हो गया। तब समझाया उन साधु जी ने, महाराज क्या तुम नहीं जानते हो संगत का कितना बड़ा असर पड़ता है। संगत का इतना बड़ा असर पड़ता है, जैसे कि आप संगत बैठोगे ठीक वैसा ही रंग चढ़ने लगेगा। जो तोता जंगल में था, चोरों के साथ में रहता था, लुटेरों के साथ में रहता था, वो लुटेरे आपस में भी गाली गलौज करते थे, कभी अपशब्द भी बोला करते थे, लेकिन वो हर समय यही कहते रहते थे, पकड़ो पकड़ो, कोई आ गया इससे लूट करो। इसीलिए वो तोता भी वो सारी बातों को सुनता रहा, उसी पे वैसा संगत का असर पड़ गया। लेकिन यहाँ पर हम संत हैं, हम संत यहाँ सत्संग करते हैं। जब भी कोई हमारे पास आता है, उदय आदर सम्मान से उसे हम अपने पास बुलाते हैं, उसे सम्मान देते हैं। इसलिए हमारे पास तोता रह करके ये सब लोगों का सम्मान करना सीख गया है, राम का नाम जपना सीख गया है। ये भी तोता भजन करता है ठीक हमारी तरह। जवाब दिया, ऐसे कैसे हो गया। बोले, हाँ ऐसा संगत का असर होता है। राजा ने कहा, संगत का असर इतना बुरा होता है। हाँ, अच्छे की संगत करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे की संगत करोगे तो बुरा फल मिलेगा। मित्रों, उसी वक्त उन साधु जी ने तीन बातें बताई। यदि अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो तो कभी भी गलत संगत मत करना। नंबर एक, बुरे लोगों की संगत करने से नरक का द्वार खुल जाता है। बुरे लोगों की संगत करने से नरक का द्वार खुल जाता है। नंबर दो, लालच हमें ले डूबता है। हमें कभी लालच में पढ़कर के किसी गलत संगत को नहीं करना चाहिए, वो हमें ले डूबता है। नंबर तीन बताया, हमें समय समय पर सत्संग और अच्छे लोगों का संग करना बहुत जरूरी है। हमें सत्संग करना चाहिए, सत्संगों में जाना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए। बुरे लोगों की संगत से बचें, तब ही हमारा उद्धार होगा। यदि हम अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो हमें अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ेगी। मित्रों, ये बात अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं, क्योंकि एक तोता चोरों के साथ रहा तो चोरों जैसी बोली बोलने लगा, और एक तोता उन साधु के पास रहा तो वो एक साधु के स्वभाव का हो गया, सबका आदर सम्मान करने लगा। मित्रों, जो अच्छे की संगत करते हैं वो तर जाते हैं, और जो बुरे की संगत करते हैं वो नरक में जाते हैं। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।